ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल जीत लिया, मगर अब खबर आ रही है कि फाइनल फिर से खेला जाएगा क्योंकि मैच में ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन के बैट में स्प्रिंग पाया गया है। जिस दिन से वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया उसी दिन से एक न्यूज बड़ी तेजी से मार्केट में फैल रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि भैया जो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत कर ली गई है, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दोबारा खेला जाएगा। उसका रीजन बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग की है, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज के बल्लों में स्प्रिंग पाया गया है, ठीक है। और ये वाली खबर जैसे ही निकल कर सामने आई तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और एक वीडियो भी अपने दोस्तों को प्रोवाइड किया था, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट अभी निकल कर नहीं आया है कि दोबारा से मैच खेला जाएगा, और कोई अपडेट अगर निकल कर आया तो मैं वीडियो फिर से प्रोवाइड करूंगा। और मैं ये वीडियो पोस्ट कर दोबारा से रिसर्च में लग गया तो कुछ इंपोर्टेंट क्लूज मुझे हाथ लगे हैं जो अपने दोस्तों को इसी वीडियो में रखने वाला हूं। तो मेरे हिसाब से वीडियो काफी ज्यादा मसालेदार और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, पूरा न्यूज से भरा हुआ, तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। नया चैनल पर तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि वर्ल्ड कप के रिकॉर्डिंग अगर कोई सा भी न्यू अपडेट ऑफिशियल अपडेट निकल कर कहीं से भी मिलता है तो समय पर वीडियो इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके एक्टिवेट रहेंगे तो। ओके, तो वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के रिगार्डिंग मैंने दोबारा से जब गहराई से रिसर्च स्टार्ट की तो मुझे एक से बढ़कर एक महापुरुष मिले जिन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर तरीके से अपडेट दिया है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप का मैच दोबारा से किया जाएगा, किसी बीच एक और महापुरुष हमें मिलते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी। वो कहते हैं 5,000 करोड़ का सट्टा लगा हुआ था और किसी तरह से मैच जीतना था और ये मोदी की रणनीति थी, आप ही देख लीजिए। इंडिया ये मैच गलती से भी नहीं जीत सकता था क्योंकि इंडिया के फेवरेट होने की वजह से इंडिया पे 5,000 करोड़ से ज्यादा का सट्टा लग चुका था। अगर इंडिया ये मैच जीत जाता तो 3 गुना से ज्यादा पैसा इंडिया से बाहर जाना था। उसने बताया कि मोदी राज का मकसद है इंडिया में पैसा लेकर आना, मतलब कि जितने लोग उतनी मुंह उतनी ही बातें, यार हद कर दे हैं यार लोग। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा तो इसके भी पिताजी निकलते हैं सामने, वो कहते हैं मैं डायरेक्ट आईसीसी से बात की है, मैंने खुद आईसीसी से बात की और आखिरकार अब यह फैसला निकल चुका है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह जो वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हुआ वो बेईमानी के चलते स्थगित माना जाएगा और ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की टीम से दोबारा ले ली जा रही है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब जब ये वर्ल्ड कप फाइनल मैच करवाया जाएगा तो 10 ओवर का ही होगा। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग व्यूज पाने के लिए वीडियोस डालते हैं, फेक न्यूज मार्केट में फैलाते हैं और फेस उन्होंने वीडियोस बनाई है, और इनकी वीडियो देखो आप जैसे चाहने वालों ने 38 मिलियन तक इनके व्यूज गए हैं। मैं कहता हूं कि ऐसे फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों पे कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं होता ताकि इन्हें सबक मिले कि गलत न्यूज मार्केट में फैलाने पर कुछ गड़बड़ हो सकती है। हालांकि ऐसा कोई मैं फाइनल अपडेट देता हूँ, आप कहोगे फाइनल अपडेट यह है कि ऑफिशियली कोई ऐसा अपडेट निकलकर सामने नहीं आया है कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच दोबारा खेला जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ कि इन जैसे चोचलों की जिनके केवल 17,000-20,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं और बस उन्होंने वर्ल्ड कप का नाम लिया और 28 मिलियन व्यूज चले गए, ठीक है। मैं कहता हूँ ऐसे लोगों पर लीगल एक्शन होना चाहिए ताकि ऐसी दोबारा से कोई गलती ना करें, कोई फेक न्यूज़ मार्केट में ना फैलाएं। हाँ, अगर ऑफिशियली कोई अपडेट निकल कर सामने आता है तो फिर उसका सेपरेट वीडियो इस चैनल पे ऑफिशियली अपने दोस्तों को सही तरीके से पोस्ट किया जाएगा। तो अगर आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक्टिवेट रहो, सही जानकारी अगर समय पे लेना चाहते हो तो।